लॉकडाउन लग जाएगा, हम इसलिए कह रहे हैं अपने घर में जाकर बच्चों के साथ ईद मनाई जाए, इधर बड़े परेशान होंगे इधर रहेंगे। पहले मैं तकरीबन 10 दिन पहले आया था तो 800-900 रुपये चल रही थी टिकट, लेकिन अब 1000 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपये 1000 ले रहे हैं। 8 मई से लॉकडाउन, अभी से टिकट कटा लो। परदेशियों ने वापसी की राह पकड़ ली, लारी अड्डों पर रश लग गया। रोजगार के सिलसिले में लाहौर आने वालों की आबाई घरों को वापसी। हुकूमत ने हफ्ते से लॉकडाउन करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश का ऐलान किया है। सियाहती मुकामात के लिए भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। रेलवे का लॉकडाउन में 10 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। 7 से 10 मई तक लाहौर और कराची के दरमियान रोजाना 8 ट्रेनें चलेंगी। 11 मई को कराची से रावलपिंडी और 12 मई को कराची से मुल्तान के लिए ट्रेन चलेगी। कौन सा कोरोना, कौन से एहतियाती इकदाम, हमें तो बस शॉपिंग करनी है। बाजारों में खवातीन का रश, मास्क की पाबंदी, न सामाजिक फासलों का ख्याल, सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। कोरोना का एक मरीज 70 अफराद को मुतासिर करता है। एसओपी की खिलाफ वर्जियाँ क्या सितम ढा सकती हैं? अवाम जानकर भी अनजान, सूरत हाल पर इंतजामिया भी चकरा गई। उधर ईद की खरीदारी उरूज पर, मार्केट्स में तिल धरने की जगह ना बची। मॉल रोड, अनारकली, करीम मार्केट, इकबाल टाउन, चौक यतीम खाना और इशरा बाजार, आजम मार्केट में भी बेपनाह रश। ईद के दिन है कारोबार 24 घंटे खोलने की इजाजत दी जाए, ताजिरों का मुतालिबा। कमिश्नर लाहौर का कारोबारी अफराद के लिए रिलीफ, शहर में सेल की गई तमाम दुकानें और मार्केट डी सील करने का हुक्म। कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी पर 224 अफराद गिरफ्तार, 148 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दर्जनों अफराद को जुर्माने। कारोबारी शख्सियात के लिए अच्छी खबर, पीर और मंगल को बैंक खुले रहेंगे। बैंक की 50% ब्रांचेज में सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक लेन देन होगा। फॉरेन एक्सचेंज और मामूल की बैंकारी होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अहकाम जारी। कोरोना के वार जारी, मजीद 35 जिंदगियों का चिराग गुल। अदाकारा सुम्बुल शाहिद भी जान से गयी। 241 अफराद वेंटिलेटर्स पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। शहर में 24 घंटों के दौरान 734 नए मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में ऑक्सीजन के बेड्स कम पड़ने लगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने कोरोना वैक्सीन के लिए 1.5 अरब रुपए मांग लिए। 1 लाख डोजेज खरीदी जाएंगी। बैग बैग आके आ रहे हैं, वो कहते जी चीनी खत्म हो गई है। अच्छा। काफी देर तक, घंटा हो गया सानू बैठे होने, तो हूँ कहते चीनी क्यों नहीं मिलेगी। यहाँ से ये खरीदते हैं, इनको क्या पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये मास्क लगा हुआ है क्या पता नहीं। यहाँ से लोग उठाते हैं, बाद जाकर फरोख्त करते हैं। मीठी ईद पर मीठा खाए, शादमान बाजार में आवाम चीनी की खरीदारी के लिए ख्वार। करीम पार्क रमजान बाजार में 1 किलोमीटर तवील कतार। दीगर सस्ते बाजारों में भी लाइन न टूटी। ओपन मार्केट में भी चीनी की सप्लाई बेहतर न हो सकी। महंगे ही सही, चीनी तो दे, शहरियों ने दुखड़ा सुना दिया। रायगढ़ में कम लागत हाउसिंग स्कीम, वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया। इमरान खान कहते हैं अमीर लोग महंगे इलाकों में मुंतकिल हो गए, कच्ची आबादी वाले मसाए का शिकार हैं। 30 साल हुकूमत करने वाले हिसाब मांगने पर शोर मचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात। तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल पर बात। बैतुल माल भी कंगाल, मुस्तहकीन की मदद करने वाला इदारा खुद मुस्तहक। फंड्स खत्म हो गए, मजीद का इंतजाम करें, हुकूमत से दरख्वास्त। बैतुल माल काउंसिल का डोनर्स और एनजीओ से भी मदद लेने का फैसला। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। एहतसाब अदालत ने नैब की इंक्वायरी खत्म करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 18 मई को सुनाए जाने का इम्कान। नैब ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर केस खत्म करने की इस्तदा की है। CSS 2020 के नतायज का ऐलान, माहीन हसन टॉपर करार। 18,553 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया, 364 उम्मीदवार कामयाब हुए, 226 मर्द और 138 खवातीन पास हुई।
221 उम्मीदवारों की तकरीरी की सिफारिश। लाहौर हाईकोर्ट में नए तैनात 13 एडिशनल जजेस को प्रिंसिपल सीट पर अदालतें अलॉट। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान आज हल्फ लेंगे। जस्टिस सुहेल नासिर, जस्टिस शकील अहमद, सफदर सलीम शाहिद शामिल। जस्टिस मोहम्मद नदीम अरशद, मोहम्मद तारिक नदीम, मोहम्मद अमजद रफीक समेत दीगर जजेस हल्फ उठाएंगे। पंजाब असेंबली का इजलास, नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का तर्मीनी बिल मुतफिका तौर पर मंजूर। चौधरी परवेज इलाही का जेलों में बंद खवातीन कैदियों की हालत इजाद पर दुख का इजहार। वजीर जेल फयाजुल हसन चौहान को मुखातिब करते हुए कहा, कैदियों की तिबी इस्लाहात में इजाफा करें, ये कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि 7 अरब की सब्सिडी देकर भी हुकूमत आवाम से गालियां खाए। फिरदौस आशिक कहती हैं, रमजान बाजारों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। एजाज चौधरी बोले, वजीर आजम आवाम की फलाह और मेयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से अवैस लगारी और मियां मुनीबुल हक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज ने कहा, महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है, लोग आज भी शहबाज शरीफ के दौर को याद करते हैं। सूबाई वजीर डॉक्टर यासमीन राशिद का गंगाराम अस्पताल का दौरा। अतीय से बनने वाले शुबा नेफ्रोलॉजी का संगे बुनियाद रखा। यासमीन राशिद कहती हैं, सूबे में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद बढ़ा दी। 24 घंटों में 94,000 अफराद को इंजेक्शन लगाए गए। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान की जेर सदारत इजलास, मियांवाकी जंगल में प्राइवेट सेक्टर की मदद से शजरकारी पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान से लाहौर चैम्बर के अहदेदारान भी मिले। नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी ने लॉकडाउन और सनअतकारों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। SOPs के तहत कारोबार जारी रखने पर इत्तेफाक। CCPO गुलाम महमूद डोगर की जेर सदारत इजलास, ईद उल फितर के लिए सिक्योरिटी इंतजामात और अमनो अमान का जायजा। कब्जा ग्रुप्स और बदमाशों के खिलाफ जारी क्रैक डाउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की साबिक मुशीर अकरम चौधरी के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर दुख का इजहार फातिह खानी की। चुगताई फाउंडेशन गुरबा और मुस्तहिक अफराद की मदद में पेश। माह मुबारक में 15,000 खानदानों में राशन की तकसीम का अज़्म। 3,000 खानदानों तक उनका हक पहुंचा दिया। कंसल्टेंट चुगताई फाउंडेशन रेहाना कौसर कहती हैं, मुस्तहकीन की इज्जत नफ्स का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। ईद पर खूबसूरत नजर आने के जस्तजू। बनाओ सिंगार पर सिर्फ खवातीन की अजादारी नहीं, मर्द भी तरह तरह के जतन करते नजर आते हैं। सैलॉन्स पर रश बढ़ गया। कोरोना SOPs के तहत सर्विसेज की फराहमी जारी। लाहौर के 60 साल बुजुर्ग बॉडी बिल्डर के दुनिया भर में चर्चे। तनसाज अब्दुल वहीद नौजवानों के लिए मिसाल बन गया। मुसलसल मेहनत से मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब और मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता। अब नजरें मिस्टर साउथ एशिया और मिस्टर एशिया के टाइटल पर हैं। अब्दुल वहीद ने बढ़ती उम्र को कभी भी कामयाबी की राह में रुकावट बनने नहीं दिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का फुटसल के फरोग के लिए एकदम। PSB कोचिंग सेंटर में फुटसल एरिना कायम। कोरोना लॉकडाउन के बाद इफ्तिताह होगा।